हेलो एवरीवन, मैं सोहन लाल, जनरल गुलाम सिंह पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में से पाठ्य पुस्तक नंदिनी, जो उसकी पाठ्य पुस्तक नंदिनी भाग 8 है, में से एक कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में स्थित है। इसे एक शोक स्थान भी माना जाता है। इसे शहीद स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। इसको आजाद करवाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान और त्याग दिया। एक दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कुछ नेताओं ने और आम लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, उन सभी ने मिलकर एक सभा आयोजित की। परंतु उस समय के चांसलर, सेना के चांसलर जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर बिना बताए गोलियां चलाकर बहुत से निर्दोष लोगों को शहीद कर दिया। इस घटना का असर पूरे भारत पर पड़ा और पूरा देश शोक में डूब गया। सभी स्वतंत्रता सेनानी इससे आहत हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक कवित्री भी थी। इनके मन पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव हुआ और इन्होंने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कविता की रचना की, जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। इस कविता में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि बसंत अगर जलियांवाले बाग में आए तो किस प्रकार से आए, क्योंकि बसंत क्या है? बसंत एक ऋतु है, एक मौसम है, वो प्रकृति है और प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। बारिश का मौसम आएगा, बसंत का मौसम आएगा, हम उसे रोक नहीं सकते। परंतु कवित्री के लिए जलियांवाला बाग एक शोक स्थान, और जब किसी के घर में या परिवार में या देश में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी शोक में डूब जाते हैं। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बसंत को ऋतुराज माना जाता है। इसमें चारों ओर खुशियां होती हैं, हरियाली होती है, सुगंध होती है, पेड़ों पर, पौधों पर नए पत्ते होते हैं, चारों तरफ फूल होते हैं, एक नई उमंग होती है, एक नया जोश होता है। तो कवित्री को जलियांवाले बाग में बसंत का आना अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने, पर बसंत है, प्रकृति है, वो तो आएगी ही आएगी, इसलिए उन्होंने बसंत से एक प्रार्थना की कि अगर वो जलियांवाले बाग में आए तो किस प्रकार से आए। हमारे पास कक्षा 8 की पुस्तक है नंदिनी भाग 8। मैं विद्यार्थियों से कहूंगा अपना पाठ नंबर 8 जलियांवाला बाग में बसंत ओपन करें, पेज ओपन करें, पृष्ठ नंबर 52। पहले हम इस कविता को उसी भाव में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस भाव में ये लिखी गई है, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करें। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने पुस्तक खोली होगी। यहां कोकिला नहीं, काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हा, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आओ, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचा। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुखी आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, लाना संग में पुष्प ना हो वो अधिक सजीवे, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ कीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दसाना, समृद्धि में पूजा है,
यहां तो रिक, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचा। यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचा। कोमल बालक मरे यहां गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। कुछ कलियां अधखली यहां इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहा। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। शुष्क पुष्प वहां गिरा दे ना तू जाकर, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। बच्चों, अब हमने कविता को पढ़ लिया है और अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कोकिला का अर्थ है कोयल, काक का अर्थ है कौवा, कीट का अर्थ है कीड़ा, भ्रमर का अर्थ है भंवरा। कवित्री कहती हैं कि बसंत ऋतु में यहाँ कोयल नहीं बल्कि कौवे शोर मचाते हैं और काले काले कीड़े भंवरों के होने का भ्रम पैदा करते हैं। कलियाँ भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा जल से। कंटक कुल से का अर्थ है कांटों का समुदाय या कांटों का झुंड। कवित्री कहती है कि कांटों के झुंड में से यहाँ पर जो कलियाँ मिली हैं वो भी अधखिली हैं। वे पौधे और फूल जो बसंत ऋतु में खिलते हैं या उगते हैं वो या तो शुष्क हैं, या तो झुलस चुके हैं, या सूख चुके हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमलहीन का अर्थ होता है सुगंधहीन, पराग का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा या झुंड। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। कवित्री कहती है कि बसंत ऋतु में यहाँ पर फूलों के झुंड और फूलों के गुच्छे सुगंधहीन हैं, उनमें किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं है, क्योंकि वो शोक में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह प्यारा सा बाग खून से सना पड़ा है। अनेक लोगों के खून से यह प्यारा सा बाग सना हुआ है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। इसलिए कवित्री ऋतुराज से कह रही है कि यहाँ पर आना, परंतु बहुत धीरे से आना। यह शोक स्थान है, यहाँ पर शोर मत मचाना, क्योंकि जो शोक का स्थान होता है वहाँ पर शोर नहीं किया जाता। सभी शिष्टाचार से बिल्कुल आराम से मंद गति से कार्य व्यवहार करते हैं। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कवित्री कहती है कि जब बसंत ऋतु वायु को चलाए तो बहुत धीरे से चलाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ के दुखों की स्मृतियों को, दुखों की आहों को, दुखों की यादों को अपने संग उड़ाकर ले जाए। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। यहाँ पर अगर कोयल गाए तो रोने का राग ही गाए, रोने का गीत ही गाए। भ्रमर जब गुंजार करें तो ऐसा लगे जैसे वो कष्ट की कथा सुना रहे हैं। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। कवित्री कहती है कि जब बसंत ऋतु अपने साथ पुष्प लेकर आए, फूल लेकर आए, तो वो अधिक खिले हुए ना और ना ही उनमें अधिक सुगंध हो और वो ओस से कुछ कुछ गीले हों। जिस प्रकार किसी की मृत्यु पर आंखें नम हो जाती हैं, उसी प्रकार फूल पर जो ओस है वो उसी नमी को व्यक्त करें। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना।
बसंत ऋतु जब आती है तो खुशियां लेकर आती है, वो एक नए उमंग लेकर आती है। इसलिए कवित्री ने यहाँ पर कहा है कि बसंत ऋतु यहाँ पर आए तो उपहार के रूप में ना आए, बल्कि अपने साथ वो जो पुष्प पुष्प लेकर आए वो उपहार भाव में ना लाए, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम वहाँ उपहार के रूप में पुष्प नहीं लेके जाते। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, उनकी याद में थोड़े से यहाँ फूल बिखराना, बिखरा देना, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम कुछ फूल वहाँ पर बिखरा देते हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लागत। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजों की गोलियों खाकर शहीद हुए हैं, मरे हैं, इसलिए उनकी याद में बच्चों रूपी थोड़ी थोड़ी कलियाँ यहाँ गिरा देना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यहाँ पर जो लोग आए थे उनके मन में देश को आज़ाद करवाने के लिए कुछ आशाएं थीं, अब वो शहीद हो गए हैं, वो अपने देश से और अपने परिवार से टूट चुके हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, इसलिए उन सभी परिवारों और लोगों की याद में यहाँ पर कुछ कलियां लेकर आना और यहाँ पर बिखेर देना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यहाँ पर कुछ वृद्ध लोग, बूढ़े लोग गोली खाकर मरे हैं, उनकी याद में कुछ सूखे फूल यहाँ पर आकर तुम गिरा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कवित्री कहती है कि बसंत ऋतु वो सब कुछ करे जो प्रकृति ने उसको करने के लिए कहा है, किंतु बहुत धीरे से। परंतु वो जब जलियांवाले बाग में आए तो बहुत धीरे से आए, बहुत कम करें, यह क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ शोर मत मचाना। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, धन्यवाद।